हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास फ्रॉम क्लास 8 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 5. नेम ऑफ द चैप्टर इज द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडरस्टडी. वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. इन लास्ट सेशन यू हैव रेड दैट किंग रुडोल्फ्स हेल्थ हैड अ वर्सेन अ लॉट. किंग रुडोल्फ, जिनका कोरोनेशन यानी राज तिलक होने जा रहा था, उनकी वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, सो दैट ही कैन नॉट अटेन द कोरोनेशन, जिससे कि वो कोरोनेशन अटेन नहीं कर सकते. बट हिज कोरोनेशन वॉज नेसेसरी एट द राइट टाइम और एल्स हिज हाफ ब्रदर ब्लैक माइकल वो टेक ओवर हिज किंगडम. लेकिन उनका राज तिलक कोरोनेशन राइट टाइम पे होना ज़रूरी था, अदरवाइज उनका जो ब्रदर था ब्लैक माइकल वो उनके पूरे किंगडम पे अपना टेक ओवर कर लेते, रूलिंग करने लगते उस पर. देयरफॉर रसेंजल हु वॉज रुडोल्फ्स डुप्लीकेट, रसेंजल रुडोल्फ्स का डुप्लीकेट था, सेम टू सेम, सो ही वॉज टेकन टू द कोरोनेशन इन द प्लेस ऑफ रुडोल्फ. रुडोल्फ की जगह पे रसेंजल जो कि डुप्लीकेट थे उनको उसकी प्लेस पे कोरोनेशन के लिए ले जाया जा रहा था. एंड यू नो वेल दैट रसेंजल वॉज अ नॉर्मल मैन, ही वॉज नॉट किंग. सो उनको किंग की सारी हैबिट और उनका जो भी जितना भी उनका रोल प्ले करना था वो सारा उन्हें एक्शन सिखा दिया गया था कि आपको एक किंग की तरह बिहेव करना है. बट रसेंजल वॉज अ नॉर्मल मैन, सो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नॉर्मल मैन की तरह कुछ अपीयरेंस हो रहा था, जिससे कि उनके जो क्लोज़र थे, मिनिस्टर्स थे, उनके सेक्रेटरी यू कैन से, उन लोगों को डाउट हो रहा था कि कहीं किसी को पता ना चल पाए कि रसेंजल ओरिजिनल रुडोल्फ नहीं है, उसकी एक्टिविटी से ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए. सो यहाँ पर रसेंजल को हॉर्सेस में लेकर के चर्च में जा रहे हैं, चर्च में कोरोनेशन की कुछ रिचुअल्स होने हैं, तो हॉर्सेस में बैठ करके स्ट्रीट से ओवर होते हुए उन्हें चर्च की तरफ जाना है. और रसेंजल के चारों तरफ अराउंडिंग देयर आर मोर एंड मोर हॉर्सेस और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सोल्जर्स चल रहे हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ किंग. इन स्पाइट ऑफ रसेंजल वॉज नॉट अ किंग, बट ही वॉज अ डुप्लीकेट ऑफ द किंग, बट नो वन न्यू अबाउट इट. किसी को नहीं पता था कि रसेंजल डुप्लीकेट है रुडोल्फ के, तो उनके साथ पूरी सिक्योरिटी चल रही थी. ओके, सो हियर हिज टेलिंग, रसेंजल इज टेलिंग, इज नैरेटिंग द स्टोरी. सो स्टार्टिंग हियर दैट आई हैव रिटन गेली एंड द स्ट्रेंज वर्ड इट मस्ट सीम, बट द ट्रूथ इज दैट आई वॉज गिडी विद एक्साइटमेंट. At that moment, I almost believed that I was and very truth the king. Here, Rasindal is telling about his experience that firstly, he was very nervous. He was in a nervous position because he was not the king, but he was playing the role of King Rudolph. So he was nervous, but now he was full with excitement. Okay? वो एक राजा का रोल प्ले करने जा रहा है, सो ही वॉज फुल विद द एक्साइटमेंट और उसे ऐसा फील हो रहा था कि ही वॉज अ ट्रूथ किंग, मीन्स रियली में वो एक किंग है, ऐसा वो रोल प्ले कर रहा था, तो उसे फील होने लगा था कि रियल में वो एक किंग है. वेल वी वेंट बाई एंड देन द मार्शल टर्निंग राउंड हिज सैडल वेव्ड हिज हैंड, द सोल्जर्स क्लोज्ड राउंड अस so that the crowd could not come near me. We were leaving my quarter of the city and entering Duke Michael's here. Black Michael of Strelsau was a hope, a hero and a darling. So here Rasindel is telling that we were went by, means they were walking on the road, on the streets, हॉर्स में बैठ करके वो जा रहे थे and इनके marshals जो थे उन्होंने टर्निंग राउंड इन हिज सैडल. व्हाट इज द मीन्स ऑफ सैडल? सैडल मीन्स अ सीट ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के ऊपर जो लेदर की सीट होती है उसी पर वो बैठे हुए थे और वहीं से उन्होंने अपने हैंड को वेव्ड किया, मीन्स डायरेक्शन दिया कि सारे सोल्जर्स जो हैं वो क्या करें, क्लोजर आ जाए किंग के, सो दैट द क्राउड कुड नॉट कम नियर मी, जिससे कि क्राउड रसेंजल यानी कि डुप्लीकेट किंग के क्लोज़र नहीं आ पाए उनकी प्रोटेक्शन के लिए.
और अपने क्वार्टर पे, जहाँ पर रेलवे स्टेशन से आकर क्वार्टर में रुके हुए थे, उस क्वार्टर को छोड़ते हुए, मीन्स उससे आगे निकलते हुए ड्यूक माइकल्स के प्लेस में वो जाने लगे। और ड्यूक माइकल कौन थे, वो अपने, उनका स्टेट अलग था और इनका स्टेट अलग था रुडोल्फ का, अब बट वो पूरे किंगडम के एक किंग बनने जा रहे थे। ओके, तो अब ड्यूक माइकल्स के स्टेट में वो जा रहे थे, उनके प्लेस में जा रहे थे, वहीं पर चर्च था। सो ब्लैक माइकल कैसे थे, वो अपने स्टेट के लोगों के बहुत ही ज़्यादा लविंग थे। ही वॉज अ होप, अ हीरो एंड अ डार्लिंग। ओके, ऐसा होता है ना कि कई जगह पे आप किसी और को पसंद करते हैं, कोई किसी और को किंग बनाना चाहता है, तो वैसा जिनका स्टेट था, जैसे आपके आपके सिटी का कोई और मिनिस्टर होता है, किसी और के सिटी का कोई और मिनिस्टर होता है, तो आप अपने सिटी के मिनिस्टर को लाइक करेंगे, वो अपने सिटी के मिनिस्टर को लाइक करेंगे, लाइक दैट। बट जब पूरे सिटी, जब सारे सिटीज़ का एक ही मिनिस्टर बनना हो, तब लोग अपने अपनी चॉइस प्रेजेंट करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए या उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, तो लाइक दैट रुडोल्फ वॉज बींग अ किंग ऑफ ऑल द किंगडम। ओके, अभी तो अपने अपने स्टेट के वो किंग थे, बट वो पूरे किंगडम का एक एम्परर बनने जा रहा था। सो दिस एक्शन ऑफ मार्शल शोड मी मोर क्लियरली दैन वर्ड्स व्हाट द स्टेट ऑफ फीलिंग इन द टाउन मस्ट बी। मार्शल का एक्शन क्या था, जो उन्होंने अपने हैंड को वेव्ड किया था सोल्जर्स को क्लोजर लाने के लिए, इस एक्शन से मुझे समझ में आ गया कि मैं एक किंग हूँ और मेरी प्रोटेक्शन के लिए इतना सब किया गया है, बट इफ़ फेट मेड मी अ किंग, एटलीस्ट आई कुड डू वॉज टू प्ले द पार्ट हैंडसमली। मीन्स मैं तो एक डुप्लीकेट किंग था, बट अगर फेट, फेट मीन्स लक, बाई लक मैं एक किंग बन जाता हूँ, तो मैं अपना पार्ट, मीन्स एक किंग का पार्ट बहुत ही हैंडसमली, मीन्स परफेक्टली प्ले कर सकता हूँ मैं, मीन्स मैं एक बहुत अच्छा राजा बन सकता हूँ। Why this change in our order? Marshal said I. Marshal ने जब सारे soldiers को close किया, उनके आसपास horses को security बढ़ा दी गई soldiers की, तो मैंने ask किया, मैंने means Rescindel ने ask किया कि Marshal is order means numbering, क्योंकि थोड़ा दूर चल रहे थे वो, और उसके बाद वो पास आ गए, तो उन्होंने कहा order में change क्यों हुआ। So Marshal replied that it is more prudent. Means sincerely or carefully it has happened. ये हुआ है ऐसा, he murmured, means slowly बोले, I stopped the horse. मैंने इस horse को stop कर दिया. Let those in front ride on, said I. Okay, आपने closer कर दिया, but इनको बोलिए कि ये मुझसे थोड़ा 50 yards दूर होकर चले. Till they are 50 yards ahead, वो मुझसे 50 yards आगे चले, और आप लोग जो मेरे कर्नल सैप्ट और माई फ्रेंड्स हैं, वो यहीं पर रुके, टिल आई हैव रिडन 50 yards, जब तक मैं 50 yards घूम करके नहीं आता। मीन्स ही वॉन्टेड टू रोम अलोन, वॉन्डरिंग अलोन इन द स्ट्रीट्स। वो चाहते थे कि वो अपने पीपल, यानी कि जो प्रजा थी उनकी, उनके सामने वो एज अ किंग नहीं, एज अ नॉर्मल मैन जाएं, और वो अपने पीपल को, अपने स्टेट के लोगों को पास से देखें और उनको ट्रस्ट दिलाएं कि वो उन पे ट्रस्ट करते हैं। एंड सी दैट नो वन इज़ नियरर टू मी, आई विल हैव माय पीपल सी दैट देयर किंग ट्रस्ट हिम। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने पीपल पे ट्रस्ट करता हूँ, बस टाइप ऑफ ट्रस्ट कि नो वन विल हर्ट द किंग। सैप लेड हिज हैंड ऑन माई आर्म, सैप्ट वॉन्टेड टू, वो चाहते थे सैप्ट कि उन्हें रोक लें, क्योंकि बहुत ही रिस्की था कि जो किंग थे उनके, वो सिक्योरिटी को छोड़ करके और ऐसे ही ओपनली स्ट्रीट्स में घूमें, कोई भी उन पर अटैक कर सकता था। बट आई शुक हिम ऑफ, मैंने उनको इग्नोर कर दिया। द मार्शल हेजिटेटेड, ये देख कर मार्शल थोड़ा सा हेजिटेट हुए। एम आई नॉट अंडरस्टूड, सेड आई, एंड द मार्शल गेव द ऑर्डर्स। फिर मैंने, यानी रेसेंडल ऑर्डर करते हैं अगेन कि क्या मेरा ऑर्डर कमांड में नहीं लिया गया, आप लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या बोला। ये सुनकर के मार्शल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करते हैं, ओके गो अवे 50 yards फ्रॉम हियर, आप किंग से 50 yards की दूरी पर चलेंगे। आई सॉ ओल्ड सैप्ट स्माइलिंग इन टू बियर्ड, सैप्ट वॉज स्माइलिंग इन टू इज बियर्ड, मीन्स ही वॉज गिविंग एक्सप्रेशन दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट इन हर्ट ही वॉज फियरिंग टू मच। वो थोड़ा सा डर रहे थे कि ओपनली अगर स्ट्रीट्स में अगर किंग को मार दिया जाता है इस तरह से बिना सिक्योरिटी के वो जा रहे हैं, तो सैप्ट की पोजिशन, सैप्ट पोजिशन वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट वुड, तो सारा ब्लेम सैप्ट पर आएगा।
सो आई राइडिंग अलोन रेसेंडल वॉज राइडिंग अलोन इन द स्ट्रीट एंटर दिस बैरली डेकोरेटेड पार्ट ऑफ टाउन मीन्स वो जो पार्ट था वो थोड़ा सा कम डेकोरेट किया गया था इट वॉज अ मोर इंटरेस्टिंग फॉर आई हर्ड द कमेंट्स ऑफ द क्राउड इफ ही इज रेड मीन्स वो हॉर्स पे पहली बार अपने पीपल के बीच पे अलोन जा रहे थे जिससे कि वो कमेंट सुन पा रहे थे कि वहाँ के पीपल उनके बारे में क्या बोलते हैं और क्या कहना चाहते हैं लाइक दैट वन ओल्ड वुमेन क्राइड फ्रॉम द क्राउड क्राउड के बीच से एक वुमेन क्राई करती है दैट इफ ही इज रेड ही इज राइट रेड इज़ राइट मीन्स जो एल्फबर्ग फैमिली थी उनके सारे मेंबर्स के हेयर रेड कलर के होते थे ब्राइट रेड कलर के तो उस वूमेन ने कहा कि अगर ये हमारे ओरिजिनल किंग हैं तो इनके हेयर्स रेड होने चाहिए अगर रेड है तो राइट है आई लव्ड एंड टुक ऑफ माई हेलमेट सो दैट शी माइट सी दैट आई वॉज ऑफ द राइट कलर एंड द क्राउड चीयर्ड मी एट दैट मैंने उनका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने अपना हेलमेट मीन्स क्राउन उतार दिया जिससे कि उन्हें रेड ब्राइट कलर मेरे हेयर्स का दिख गया क्राउड चेयर्ड करने लगी ही लुक्स पैलर देन यूजुअल अदर वन ने क्या बोला दैट ही इज लुकिंग सम वीक ही इज लुकिंग टू मच वीक फ्रॉम फ्रंट ऑफ ही इज बिगर मैन दैट आई थॉट अनदर उन लोगों ने कभी भी अपने किंग को पास से नहीं देखा था तो पहली बार उतना क्लोज से देख रहे थे बोल रहे थे कि ये तो काफ़ी बिगर दिख रहे हैं बिगर मैन दिख रहे हैं जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था सो ही हैड अ गुड जॉब अंडर द बियर्ड आफ्टर ऑल कमेंटेड द थर्ड मेंबर ने कमेंट किया उन्हीं क्राउड में से कि इनके पास तो काफ़ी गुड जॉब है अंडर द बियर्ड मीन्स उनकी बियर्ड थी ना तो बोलते हैं कि उनकी बियर्ड के अंदर उनके पास तो बहुत ही नाइस जॉब है सभी अपना अपना रिव्यू दे रहे थे अबाउट द किंग So next one is telling that the pictures of him aren't handsome enough, declared a pretty girl. एक pretty girl ने declare किया कि जो King Rudolph की picture थी उसमें वो इतने handsome नहीं दिखते जितना कि वो real में दिख रहे हैं But in spite of these signs of approval and interest, the mass of people received me in silence and with sullen looks. These signs showed me approval and interest. बट मेरा जो अपीयरेंस था वो कैसा था विद साइलेंस एंड एंगर बिकॉज दे सपोर्टेड माइकल एंड नॉट रुडोल्फ उनका जो रिएक्शन मुझे दिख रहा था वो ऐसा दिख रहा था कि वो माइकल को सपोर्ट करते हैं माइकल को वो एज ए किंग देखना चाहते हैं मुझे नहीं नॉट अ रुडोल्फ रुडोल्फ को नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरा एंगर और साइलेंस था एट लास्ट वी वर एट द चर्च एंड फॉर द फर्स्ट टाइम The sudden sense of my audacity almost overcame me. Everything was in a mist as I dismounted. I saw the marshal and sat dimly the group of gorgeously robed priests who awaited me. And my eyes were still dim as I walked up the aisle. So here, after moving too much, They were raised at the church. Church पहुँच गए Sudden sense of my actually almost overcame me. Suddenly he realized that what a huge risk he had taken and fear overtook all other feelings in his mind. Means he was moving alone without security. So जब उसने रिसेंडल को रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो भी पीपल हैं जिस प्लेस पे वो चल रहे हैं वो सारे माइकल को सपोर्ट करते हैं और रुडोल्फ को ऐसे कि नहीं देखना चाहते तब उसे अंडरस्टूड हुआ कि उसने कितना बड़ा रिस्क लिया यहाँ पर तो कोई भी उस पर अटैक करके उसे मार सकता है और जब वो चर्च पे पहुँचे तब डिसमाउंटेड मीन्स स्टेप्ड आउट फ्रॉम द हॉर्स और से उतरे आई सो मार्शल एंड सैप डिमली मीन्स विदाउट पेइंग नो टू मच अटेंशन बिकॉज ही वॉज नर्वस मार्शल और सैप जो कर्नल सैप थे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सैड थे और नर्वस थे कि उनका किंग अगर वो किंग की बातें नहीं मानते तो सभी को पता चल जाएगा कि वो किंग नहीं है कोई डुप्लीकेट है तो उन्हें किंग की जो ऑर्डर था वो मानना पड़ रहा था बट ही वॉज वेरी वरीड दैट किंग वॉज बींग अटैक्ड बाई समवन सो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर प्रिस्ट थे जो कि वो भी उनके माइकल ब्लैक माइकल की सपोर्ट में थे
और वहाँ पर उनका कोरोनेशन होना था। आई सॉ नथिंग ऑफ द क्राउड दैट फेल्ड इन द चर्च, ओनली टू फेसेस स्टूड आउटसाइड बाय साइड क्लियरली बिफोर माय हाउस। देयर वर टू मच क्राउड बट ही वॉज एबल टू सी ओनली टू फेसेस, मीन्स ही वॉज फोकसिंग ओनली ऑन टू फेसेस। वन वॉज a beautiful girl who was looking pale and lovely, but the other face was a man. सिर्फ दो लोगों को वो भीड़ में देख पाए जिन पर अटेंशन गया उनका, एक तो गर्ल थी जो कि पेल और लवली थी एंड अदर वॉज अ मैन हुज रेड चिक्स ब्लैक हेयर एंड डार्क डीप आईज टोल्ड मी दैट एटलीस्ट आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ माई ब्रदर ब्लैक माइकल। और उस पर्सन के रेड चिक्स थे, ब्लैक हेयर थे और डार्क डीप आईज थी जो मुझे बता रही थी कि आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ माई ब्रदर, मीन्स ही वॉज नॉट नोविंग हिज ब्रदर, हिज स्टेप ब्रदर को जानता नहीं था। वो पहली बार पैसेंजर देख रहे थे कि रुडोल्फ के स्टेप ब्रदर ब्लैक माइकल यही हैं, उसके रिएक्शन से देख करके पता चल रहा था। फिर ब्लैक माइकल से मतलब वो ब्लैक नहीं था माइकल ओनली, यहाँ पे बी कैपिटल है सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इज अ नेम। And when he saw me, his red cheeks went pale all in a moment. जैसे उसने मुझे देखा तो उसके cheeks went pale, जो red cheeks थे वो कैसे हो गए, येलो कलर के हो गए, all in a moment and his helmet fell with a clatter. उसका helmet एक clatter में sound के साथ गिर गया। Why he was very worried about this? Because उसने जो original king था Rassendyll उसको harm कर दिया था, उसको injured कर दिया था जिससे कि वो coronation attend नहीं कर पाए और coronation उसका हो जाए ब्लैक माइकल का। बट जब वो देखता है कि Rassendyll एज अ रुडोल्फ, उसे भी लगा कि उसका जो स्टेप ब्रदर रुडोल्फ है वो उसके सामने खड़ा हुआ है, तो ये ऐसी सिचुएशन देख करके उसे बहुत ही नर्वसनेस फील हुआ और वो देख करके शॉक्ड हो गया कि मैंने तो अपने ब्रदर को अनकॉन्शियस कर दिया था, बेहोश कर दिया था, उसे इंजर्ड कर दिया था, बट ये कैसे आ गए यहाँ पर, फिर से कैसे आ गए। उसे नहीं पता था कि ही वॉज अ डुप्लीकेट ऑफ रुडोल्फ। सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।